जय हिंद साथियों, आज हम लोग केवीएस के पूरे फॉर्म को फिल करके फिर से आपको दिखाएंगे और देखने का भी प्रयास करेंगे। अगर आपने केवीएस का फॉर्म आवेदन कर लिया होगा तो फिर भी आपको ये डर होगा कि कहीं ऐसा कुछ तो गलत फिल नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि एक फॉर्म जो है ये आपकी नियुक्ति का सबसे बड़ा आधार है। आप परीक्षा पास कर लेंगे और अंत में जब आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, अगर हो सकता है कहीं कोई गलती कोई त्रुटि हो तो आपका अभ्यर्थन निरस्त भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप एक बार पूरा देखिएगा। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो एक बार आप मिला लीजिएगा कि आपने पूरा फॉर्म सही फिलअप किया है, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। एक बार अपने आप से जो भी आपके पास फॉर्म होगा वो फिल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें संशोधन आता है। लेकिन संशोधन सभी सेक्टर में मतलब सभी जगह आप संशोधन नहीं कर सकते। कुछ जगह हो भी सकता है, कुछ जगह नहीं भी हो सकता, और यह भी कहा जा सकता है कि संशोधन आएगा ही आएगा। इसलिए इस फॉर्म को पूरा भली भांति देख लीजिएगा। और अगर मैं भी बता दूंगा कि थोड़ी बहुत त्रुटि कहाँ कहाँ पर है जो आपको परीक्षा में किसी प्रकार अभ्यर्थन आपका निरस्त नहीं होगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी त्रुटि हो सकती है जिसके बाद आपके परीक्षा में अभ्यर्थन जो है वह आपका भी निरस्त हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा, कोशिश करिएगा, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फिर से हम पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे। और आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो भी वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं किए हैं तो वीडियो आपके लिए काफी मददगार होगा। यहाँ पे दो स्टेप देखिए, जब हम केंद्रीय विद्यालय के जो लॉगिन करके पहुंचते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो यही होम पेज खुलकर आता है। इस होम पेज में दो देखिए, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन है, जहाँ शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेप आप ऑनलाइन दिख रहा हो। दूसरी स्टेप की तरफ चलेंगे तो वर्ली रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन। हो सकता है आपने फॉर्म भर लिया हो तो एक बार अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर चेक कर ले। कई बार क्या होता है, हम साइबर कैफे पे भरोसे रह जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं, पैसे देकर चले जाते हैं, वो हमें प्रिंट आउट दे देता है, लेकिन वो लास्ट में फी पेमेंट करके सबमिट नहीं हुआ होता। इस वजह से कई लोगों का अभ्यर्थन निरस्त हो चुका है। ऐसा 69,000 शिक्षक भर्ती में हजारों अभ्यर्थियों के साथ हो चुका है जिन्होंने साइबर कैफे के भरोसे थे। एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा, इसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों कॉपी अपने आप पास रखिएगा, और कोशिश करिएगा इसी कॉपी अपने दोस्त को भी सेंड करिएगा मेल पर, ताकि हो सकता है कभी आपका मोबाइल खो जाए, जिस नंबर को आपने यूज किया है वो नंबर बंद हो जाए। तो बहुत सारी सावधानियां भी आपको रखनी है। तो यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं वर्ली रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, जहाँ पे आपको अपना ऊपर देखिए आपको ये डालना है कि प्राइमरी के लिए किस भर्ती के लिए आपने आवेदन किया है, फिर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सिक्योरिटी पिन जो होता है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे नीचे दिया गया तो उसी को यहाँ पे फिल करना होता है। साइन इन करके आप अपना प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, आप एक पासवर्ड बनाना होता है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एप्लीकेशन नंबर आप भूल जाते हैं, उसको भी यहाँ से फॉरगेट किया जा सकता है। आइए मैं फिर से आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवेदन के लिए आ रहा है, किस पे आवेदन करना, मैंने पहले क्लिक कर दिया है, टीचर एंड प्राइमरी टीचर 2022 इन केवीएस। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया हमने, न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपने भरा होगा फॉर्म तो आपको पता होगा प्रक्रिया। नहीं भरा है तो एक बार फिर से पूरा इसको देख लीजिए, मिला लीजिए। फॉर्म भरने के तीन तरीके हैं, मतलब तीन स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा। पहला, पहली बार में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है फी पेमेंट की, जहां पे आप फीस पेमेंट करके इसके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो अभी फीस जो है वो 1500 रुपया है। टू एप्लीकेशन, वन फॉर एनी टीजीटी पोस्ट एंड पीजी पोस्ट पीआरटी। देखिए, कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट टू अप्लीकेशन, वन फॉर एनी टी जी टी पोस्ट एंड अदर फॉर ए पी आर टी पोस्ट। यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या क्या गया, प्लीज इंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर द कैटेगरी, लीड डाउन द पोस्ट यू अप्लाई टू केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस। तो यहाँ पर फीस जो है 1500 रुपया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए जो कैटेगरी है, इनके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। तो ये अब एक बार आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, कैसे फी पेमेंट होगा, आप लोग को मतलब उतना जरूरी नहीं है, फॉर्म भरने वाला आपको खुद ही बता देगा। जो आपको स्कैन कॉपी लगनी है फोटोग्राफ की, उसमें क्या क्या लगनी है वो जान लीजिएगा। अपलोड स्कैन इमेज में जेपीजी फॉर्मेट में आपकी सिग्नेचर भी होगी और फोटो भी होगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना होगा कि 10 KB से लेकर 200 KB के बीच आपकी फोटो होनी चाहिए, और सिग्नेचर जो है 4 से 30 KB की। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इसे जो फॉर्म फिलअप करते समय फोटो की साइज ज़्यादा होती है जो घर पर फिल करते हैं, तो ऑनलाइन इसके रिसाइज किया जा सकता है। और याद ध्यान, अपलोड जो फोटो सिग्नेचर होगा वो करेक्शन इमेज नहीं हो सकता, यहाँ पे दिया गया है। अपलोड होने के बाद फोटोग्राफ क्लियर होना, कलर हो और ब्लैक एंड व्हाइट हो चलेगा, मतलब वो साफ होना चाहिए, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चाहे कलर हो, इसके लिए मान्य नहीं था, लेकिन मान्य ये रखता है साफ होना चाहिए, साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन का पेमेंट कैसे करना है, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया कि पासवर्ड जो बनाएंगे वो 8 से लेकर 13 अक्षर तक का होगा, उसमें एक कैपिटल रखिएगा, बाकी जो है स्मॉल रखिएगा, एक ये जो स्पेशल जो अक्षर होते हैं वो रखने का प्रयास करेगा। दूसरा, अल्फा वो नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पूरी प्रक्रिया आगे आपको भी समझ में आ जाएगी। हाउ टू रिसेट पासवर्ड को आप रिसेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया, इसलिए बार 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 कहूंगा, मोबाइल नंबर वही इस्तेमाल करिएगा जो आप जानते हैं, भविष्य में फोन खो जाने के बाद, टूट जाने के बाद, बंद होने के बाद भी जिस सिम को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस सिम को आप पा सकते हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा।
फिर यहाँ पे क्या एप्लीकेशन नंबर प्रिंट आउट कर लेना, वो पूरी प्रक्रिया इसको यहाँ पे अलाउ करना होगा। यहाँ हमने पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया है, जान लिया है, अब हम फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रोसेस पे, प्रोसीड करते हैं। अब आपके सामने एक विंडो खुल कर आएगा जहाँ पे आपको इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना है, इस फॉर्म को फिल अप करना है। तो यहाँ पे ध्यान दिखिएगा कि आपने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ चीज़ों को भरा है, कहाँ गलती करनी है, कहाँ नहीं करनी है, इस बात को भी पूरा एकदम ध्यान से आपको देखना है। पहली बात, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, ये कैंडिडेट का नेम क्या है, जैसे हमने भर दिया, सभी कैपिटल में होगा, जैसे हमने भर दिया दुर्गेश सर, ठीक है, ये दुर्गेश सर हो गया। फादर नेम, जैसे आप अपना नाम भरेंगे, और ध्यान दीजिएगा ये जो कॉलम है, ये कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऊपर के जो चार हैं ये हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर होनी चाहिए। कई बार क्या होती है कि जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट पे, हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है उस पर कुछ होती है और इंटर पे कुछ होती है, तो हम कोशिश किया करते हैं कि हम भरते हैं वही जो हाई स्कूल पे। कभी कई बार क्या होता है, जैसे इंटर पे कुछ है, बीटीसी बीएड वाले मार्कशीट पे कुछ है, ग्रेजुएशन में कुछ है, कहीं देवी लगा है, कहीं कुमारी लगा है, तो वो ध्यान मत दीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर वही भरना है, बाकी में जो है उसके लिए फिर डेबिट लग जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारा 8 जनवरी मान लेते हैं, 8 जनवरी मान लेते हैं यहाँ पे 1980, ठीक है, ये हमारा हो गया कि 8 जनवरी 1998, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ। कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, एग्जाम्पल की तरह मैं भर रहा हूँ, जैसे फॉर्म का प्रारूप आपको समझ में आ जाए। अब जेंडर की बात करें, जेंडर में आप तो मेल फीमेल जो भी यहाँ पे भर सकते हैं। आइडेंटिटी का टाइप, जैसे यहाँ पे पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बैंक पासवर्ड ड्राइविंग या कोई अदर है जिसमें आइडेंटिटी फोटोग्राफ के साथ हो, जैसे मेरे पास पासपोर्ट है, मैंने पासवर्ड भर दिया, ठीक है। जहाँ पे पासपोर्ट भरने के बाद अब उसका नंबर भरना है, जैसे BNKJ 38 40 16 38 40 16 0 3 मान लीजिए मेरा पासपोर्ट का नंबर हो गया, एज एग्जाम्पल के तौर पर है कि हाँ ये है। हाउस नंबर मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 30 23 हो गया, सब आइडेंटिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे टीडी कॉलेज, नियर टीडी कॉलेज है तो जौनपुर भी हमने लिख दिया। आप देखिए अपना ग्राम लिखेंगे, ग्राम या पोस्ट जो आपके नज़दीकी लैंडमार्क होगा उसको, सब लोकलिटी आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैं फिर से, अब मैंने क्या किया, जौनपुर को फिल कर दिया, फिर से मैंने यहाँ पे जौनपुर ही फिल कर दिया। अब यहाँ पे कंट्री की बात आती है, किस कंट्री में, तो आपको भी पता है आप इंडिया से ही, सभी लोग इंडिया वाले ही फॉर्म भर रहे हैं, तो दूसरा स्टेट, अब हो सकता है इस वीडियो कहीं भी किसी भी स्टेट से देख रहा हूँ, किसी भी स्टेट के हों, तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने यूपी भरा, जैसे मैं यूपी फिल करूंगा नीचे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जिस जिले से आप, इसमें से किस जिले से हैं आप बताइए कमेंट करके। वैसे हम जनपद जौनपुर से, तो यहाँ पर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, वो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट भर दिया। पिन कोड की बात कही तो यहाँ पर हो जाएगा 222 यहाँ पे 0222002। ईमेल एड्रेस की बात किया जाए तो ईमेल एड्रेस है elearningwithdurgesh@gmail.com। मैंने कॉपी कर लिया है ताकि यहाँ पे सेम भरा जा सके, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, चलिए फिर से मैंने यहाँ कोशिश किया, elearningwithdurgesh@gmail.com पढ़ के। मोबाइल नंबर की बात करें तो अभी देखिए मोबाइल नंबर जो हम लोग को भरना है उस पर भी हम लोग फोकस कर लेते हैं कि कौन सा, जैसे यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, 94-51-062-78, यहाँ पे 94-51-062-78 है, ये आपका नंबर यहाँ पे है। और ये अगर आपने अगर KBS का इंटरव्यू देना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके भी आपने ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश KBS की ऑनलाइन इंटरव्यू शुरू कर रहा है, वहाँ से आप इसको जुड़ सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे अगर कोई आपका स्टडी लोकल हो तो भर सकते हैं, इसीलिए ये ऑप्शनल है, इसके कोई दिक्कत, इसको यहाँ पे पूरा देख लीजिएगा। अगर आपका एड्रेस सेम है, इसको समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट एड्रेस होता है, ये आपका होता है प्रेजेंट एड्रेस, एक होता है मेलिंग एड्रेस होता है, अगर दोनों सेम है तो ठीक है ना, इसको चेंज कर, जैसे कुछ लोग होते क्या है, जैसे मान लीजिए कोई जौनपुर का है वो आगरा पोस्टेड है, ठीक है, तो आगरा में रहता है, मेलिंग एड्रेस वो है लेकिन परमानेंट एड्रेस उसका जौनपुर है, या कोई आजमगढ़ का है वो आगरा पोस्टेड है, या कोई आगरा का है वो इलाहाबाद पोस्टेड है, प्रयागराज, तो ऐसे में भी इसको देख ला, ये आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। या कोई पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो भी हो, तो एक हम पासवर्ड बना लेते हैं आपको, ताकि फिर आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड अपना क्रिएट कर लिया, अभी अपना यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं, इसमें पहला अच्छा मैंने कैपिटल रखा है, फिर स्मॉल रखा है, फिर @ लगाया, फिर कोई नंबर लिख सकते हैं, जैसे 12 20 15 40 16 19, जो भी आप रख सकते हैं। आप याद रखिएगा कि पासवर्ड आपको कई बार यूज होगा, ठीक है, इसलिए ऐसा बनाइएगा जिससे आप आसानी से रख सकते हैं, ठीक है, कोशिश करिएगा
ठीक, यहाँ पे फेवरेट बुक जो मेरी ज्योग्राफी, मैंने वहाँ पे ज्योग्राफी लिख दिया, तो ये आपका पासवर्ड आपको खुद से बनाना है, इसको ध्यान रखना है, कहीं आप कॉपी पे डायरी पे लिख लीजिए, वैसे इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा इसे याद रखिएगा, समय आपका बच जाएगा। फिर यहाँ पे एक इंटर सिक्योरिटी पिन डालना, जो यहाँ पे नीचे दिया गया होता उसी पिन को यहाँ डालना होता है। अब ये फॉर्म को एक बार पूरा फिर से मिला लीजिए कि आप कक्षा 10 की जो मार्कशीट है उसके आधार पर आपका नाम, देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, क्योंकि ये देखिए गलत था ना, यहाँ पे मैंने सही कर लिया, तो ये अशोक, मिस्टर अशोक जी, मिसेज उर्मिला जी, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भरेंगे, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इस फॉर्म को पूरा भर के सबमिट कर रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही मिलाकर भरेंगे। मैंने इसको कर दिया सबमिट, सबमिट कर देंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडोज खुल कर एक ऐसा आएगा जहाँ पर ये दिया, भैया देखिए फॉर्म एक बार आप पूरा मिला लीजिए, ओटीपी आपके नंबर पे गई है, और अगर कोई करेक्शन हो तो उसे करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, अन्यथा इसे एडिट कर सकते हैं, अन्यथा इसे सबमिट करके अगले स्टेप की तरफ बढ़िए, जहाँ पे आपका पर्सनल डाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसको क्लोज कर देते हैं, अब ध्यान से देखते हैं, एक बार इसको पूरा मिला लीजिए, ये ऊपर दिए कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी कक्षा 10 के जो मार्कशीट है उसके आधार पर होना चाहिए। आइडेंटिटी टाइप जो आपने भरा हो, जो सकता है पासपोर्ट हो, आधार, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन हो, तो आप उसका नंबर यहाँ पे मिला लीजिएगा जो आपने भरा है, ठीक है, ये पास वो जो आपकी आइडेंटिटी टाइप है उसका नंबर, एड्रेस जो आपने भरा था क्या वो सही है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से एड्रेस भरिएगा, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे डेमो फॉर्म, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ भी गलत सलत सा भर के आपको फॉर्म भर के फिल करके दिखा रहा हूँ। मोबाइल नंबर भी एक बार मिला लीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर बार बार मैं कहूँगा वही नंबर रखिएगा, और ईमेल आईडी जो भविष्य में बदले ना, जिस पर आप जानते हैं भविष्य में बदलने के बाद भी आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ, अपना एड्रेस एक बार पूरा मिला लीजिएगा। कई बार क्या होता है एड्रेस में कहीं फॉर्म भरने में त्रुटि हो गई होगी, तो उसके लिए घबराएगा नहीं, वो आपके लिए किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऊपर के जो मैंने बताया जो हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर नहीं है, वो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। अब यहाँ पे आपको मिलाना है कि क्या आपने ऊपर मिला लिया, माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये ध्यान दीजिएगा ये करेक्शन नहीं होता, अगर करेक्शन आएगा भी तो ये चार बिंदुओं पर करेक्शन नहीं होता, ये हाई स्कूल के आधार पर होना चाहिए, हो सकता है इंटर में कुछ डिफरेंट हो गया हो, या ग्रेजुएशन कुछ अलग हो, या बीटीसी या बीएड या डीएलएड के मार्कशीट में कुछ अलग हो, तो उसके लिए घबराएगा नहीं, यहाँ पे हाई स्कूल वाला ही भरिएगा, टेंथ वाला। जेंडर आप तो पता है मेल है फीमेल है गदर है, एड्रेस थोड़ी बहुत त्रुटि होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेंडर परिवर्तित नहीं होने पाए। मोबाइल नंबर मिला लीजिएगा, ईमेल आईडी, ये दोनों को मैं बार बार कहूंगा कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके हमेशा काम आने वाली है, इसलिए इसको कहीं भी मत ऐसा करेगा जहाँ से हो जाए, इसको पूरा आपने पढ़ लिया है, यहाँ पे हम एग्री करेंगे, इसका मतलब फॉर्म आपका सही है, तो सबमिट पे जाएंगे, जब सबमिट पे जाएंगे तो जिस नंबर को हमने मोबाइल नंबर को भरा है उस पर क्या जाएगी, एक ओटीपी जाएगी, तो डू यू विश से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, गेट ओटीपी, यस कंफर्म करते हैं हम, तो यहाँ से क्या होगा एक ओटीपी क्या होगा, अब जैसे ओटीपी को डालेंगे हम क्या करेंगे, मेरा फॉर्म हो जाएगा सबमिट, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपनी ओटीपी डाल दी है, ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, 98 31 54 ओटीपी आई थी जो इस नंबर पर, इस नंबर पर देखिए अगर आपको इंटरव्यू लाइव डेमो इंटरव्यू कराना है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू हो जाए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या नोट्स के लिए भी। तो अब हम सबमिट करते हैं, फॉर्म को हमारा सबमिट हो गया, तो यहाँ मैच नहीं हो रहा क्योंकि लेट आया था ओटीपी, यहाँ पे देखिए जो अंतिम ओटीपी आया वही डाला जाएगा, तो शायद ले लेगा, एक मिनट वेट, यहाँ ओटीपी हमारा फिल हो गया है, हमने इसको क्या किया सबमिट कर दिया। अब देखिए जब सबमिट होने के बाद ये वो फॉर्म आपके सामने खुल कर आएगा, अब देखिए अभी जो प्रक्रिया वो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कार्नर पर आपका अप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, इसे लिख लीजिए, इस ये और पासवर्ड ये अब दो को हमेशा काम आएंगे, जैसे आपका जो नाम होगा, जैसे आपका नाम है सौरभ या सौरभ गृहरी, जो भी नाम होगा वो यहाँ पे नाम आपका आएगा, मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, अप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, ये दो चीज़ें बाकी है, अब हम चलेंगे अप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, यहाँ पे क्लिक करने के लिए, फिर उसके बाद फी पेमेंट होगा, देखिए वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी हो गया, वेरिफिकेशन इसके बाद लास्ट में ही होता, ईमेल आईडी भी आपकी वेरीफाई होगी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे ये हो चुकी है, अब हम कंप्लीट अप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, अब आपके सामने आया क्या क्या आपका फिलअप, जो कॉन्टैक्ट डिटेल था हो चुका है, अब पर्सनल डिटेल भरा जाएगा, फिर अप्लाई फॉर किस एग्जाम के लिए जा रहा होगा, सेंटर कहाँ है, क्वालिफिकेशन डिटेल होगा, फिर केवीएस एम्प्लाई है या नहीं, फिर सीटेट पास है उसकी पूरी डिटेल होगा, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, फिर फाइनल सबमिट होगा फी के साथ, ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होकर, फिर मैं पर्सनल डिटेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब देखिए यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, फिर से आपके पास नया विंडोज होम पेज खुलकर आएगा, अब यहाँ जैसे कुछ चीज़ें आपकी पहले से भरी आएंगी, जो आपने भरा था नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, पिता का नाम, माता, नेशनलिटी फिर से भरी जाएगी, यहाँ पे फिर से इंडियन ही है तो इंडियन ही रहेगा, फिर आप जम्मू कश्मीर में है नहीं तो फिर यहाँ पे नो करिए आप, फिर है कैटेगरी, जिस कैटेगरी में जैसे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉल किमिलेयर, इतने के ऊपर समझ लीजिए कैटेगरी के बारे में, जैसे इन सब के यहाँ पे केंद्र की जाति लगती है,
अगर केंद्र की जाति आपकी बन गई तो ठीक है, नहीं बन पाई है तो आप परेशान ना हो, राज्य की जाति से काम चल जाएगा। दूसरी बात, जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक और समस्या आती है, सर मेरा जाति प्रमाण पत्र पुराना है मैं क्या करूं? देखिए 100, 100, 200 रुपए लगे हैं, हमेशा जब आप एक अभ्यर्थी हैं तो हमेशा प्रमाण पत्र अपने हमेशा नया बनवाया करिए। हर साल मान लीजिए कि आपको हर साल एक नया बनवाना है, अब यह नहीं कि अब कोई कहेगा तभी आप बनवाइए, हमेशा डॉक्यूमेंट हमेशा जो होता है जाति प्रमाण पत्र हमेशा बनवाते रहा करिए, कभी भी नौकरी की पोर्टल खोल सकता है। दूसरी बात, आप फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरने के अंतिम दिन से पहले के आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर लिया है और वेरिफिकेशन से 10 दिन पहले आप प्रमाण पत्र बनवा के ले जाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। फॉर्म भरते समय आप किस कैटेगरी में थे वो मायने रखता है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले अगर आपका तो दी बेस्ट है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले अगर आपके पास जाति नहीं है तो फॉर्म भरने के अंतिम दिन से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई जाति है ऑलरेडी तो नया जाति प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं दोनों को। सर देखिए ये हमारे पास 1 साल पुराना 2 साल पुराना था, ये नया वाला है, अब दोनों में से आप जिसको सबमिट कर ले तो वहां पे आपके लिए कोई दिक्कत या समस्या नहीं होनेगी। हर आदमी के पास जाति प्रमाण पत्र होता है, किसी ने ई लर्निंग में दुर्गेश से मैसेज किया था सर मेरा 10 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र है, तो भैया देखिए अगर वो नेट पर शो ही नहीं हो रहा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा वो नेट पर शो होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, फॉर्म भरने वालों के लिए भी है और उसके लिए भी है जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या जो फॉर्म भर लिए हैं उसको पूरा मैच करा ले, टैली करा ले। ये समस्या सबसे ज्यादा पूछा जाता था, जैसे EWS, OBC, अनरिजर्व, जो अनरिजर्व उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जो OBC है नॉन क्रिमिनल उनके लिए EWS है, तो EWS के लिए जैसे मैं EWS में हूँ जनरल में, तो EWS मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब OBC वाले OBC, SC वाले SC, ST वाले ST, जो जिसमें है जिस कैटेगरी में वो उस पर फॉलो कर फिलअप करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, कोई ऐसा है कि भैया डिसेबल नहीं है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि सर्विस मैन है नहीं है, फिर पूछ रहा है कोई आपके मार्क लगे कोई चिन्ह, कहीं चोट का निशान, कहीं मोल, कहीं तिल्लो लगर है, कहीं हाथ पे चेहरे पे, तो उसके लिए जैसे आपकी आइडेंटिटी की जा सके, तो नो मार्क है मेरा, अगर यहाँ पे कोई मार्क नहीं है तो मैंने यहाँ पे नो मार्क लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, विडो है, तो यहाँ पे जो आपका वो भर दिया, सिंगल है तो सिंगल भरी, मैरिड है तो मैरिड है तो मैरिड भर दिया, ठीक है, सिंगल वाले सिंगल भरेंगे। और अगर कोई महिला मैरिड है तो उसके घर मतलब उसके मायके के पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगता है, अपने ससुराल पक्ष का भी बनवा के रखें लेकिन मायके पक्ष का भी बनवा के, अपने पिता के पक्ष का बनवा के रखें। मैंने कोई लड़की हो या लड़का वो हमेशा अपने पिता पक्ष के ही जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करेंगे कि शादी अगर हाल फिलहाल में हुई है तो पिता पक्ष का ही होगा, तो जो पिता पक्ष की जाति है वही, और पुत्र है तो सीधी सी बात है हमेशा पिता पक्ष का ही बनेगा। अगर कोई महिला शादीशुदा है तो उसको पिता पक्ष का मतलब ये होता है उसके मायके का, और अनमैरिड है तो जाहिर सी बात है कि पिता पक्ष का ही बनेगा, इस बात का भी विशेष ख्याल रखना है मैरिड और सिंगल जो भी फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। और जो डिवोर्सेज हैं वो भी ये बात ध्यान रखें, ठीक है। हम आगे चलते हैं एक अगले टॉपिक की तरफ, मतलब अगले जहाँ पे हैं, यहाँ सिक्योरिटी पिन डालना है तो आप तो जानते ही भरना, यहाँ जो सामने दिया गया उसी को आप फिल करेंगे और आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। इसको ध्यान समझ लीजिएगा, कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करेंगे, आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपने फॉर्म भर लिया तो एक बार इसको वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं ऐसा गलती तो नहीं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अब आपसे वो नेक्स्ट पे करेंगे, यहाँ पे आपने यस पे कर दिया, अब आपके सामने आ गया किस एग्जाम के लिए, तो पोस्ट किस के लिए कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे TGT के लिए कर रहे हैं या प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर केवल म्यूजिक वालों के लिए है, ये प्राइमरी टीचर PRT के लिए दिखा रहा हूँ, तो PRT के लिए होगा, बाकी यहाँ पे सोशल, GS, संस्कृत, मैथ सबके लिए अलग अलग है, तो हमें प्राइमरी टीचर हो गया, प्राइमरी टीचर पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी चॉइस करना है, यहाँ पर आपके सामने आ गया, तो जैसे मैं यूपी से हूँ मैंने उत्तर प्रदेश चूज किया, अब फिर से मैं भी यहाँ पे अलग अलग चूज करना है, लेकिन मैं क्या करता हूँ एक ही में, क्योंकि आपको यहाँ दिखाना है तो मैंने क्या यूपी को ही चूज कर लिया, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है क्योंकि नहीं तो लेगा ही नहीं। यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश, फिर से 4 सेंटर चूज करना, मैं चारों को उत्तर प्रदेश लिया। अब यहाँ पे सेंटर क्रम से अलग अलग है, जैसे पहले मैं जौनपुर बनारस से करीब है, फिर यहाँ से प्रयागराज है, इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है, दूसरे पे क्या हो गया वाराणसी, फिर यहाँ पे प्रयागराज, फिर यहाँ पे नियरेस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से नियरेस्ट लखनऊ है, फिर यहाँ से रामनगरी अयोध्या, तो यहाँ पे हम लोग अयोध्या धाम, वैसे कानपुर भी कर सकते थे अयोध्या धाम, ठीक है। अब यहाँ पे टीचिंग जो जो आपकी है वो किस में है, दोनों मीडियम में हो सकती है, हिंदी इंग्लिश है, यस। यहाँ पे नॉलेज है आपका हिंदी एंड इंग्लिश में, यस, और कंप्यूटर की नॉलेज है, यस, अपने हिसाब से कंप्यूटर ने सबको भरना है, यस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर सिक्योरिटी पिन भरना है, तो सिक्योरिटी पिन है आपका CG4465, इसको आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट की तरफ आएंगे, फिर कह रहे हैं सबमिट करें, यस सबमिट करते हैं हम,
फिर एक आपके पास विंडोज खुलकर आएगा। अगर सब कुछ सही होगा तो फिर से एक विंडोज ओपन होगा। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए स्लो आ रहा है। अब यहाँ पे आपको स्टेटस भरना है। अब यहाँ से देखिए पास्ट है, पास्ट अपेयरिंग का दोनों का मतलब समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस पास्ट अपेयरिंग का मतलब ये है कि जिस समय आप फॉर्म आज भरने जा रहे हैं, क्या इस समय तक आपके पास सीटेट पास की डिग्री है? कहीं हाँ सर मैंने 2018 में पास किया, कोई कैसा 2015 में, कोई कैसा 2016 में, कोई 2019 में, कोई 21 में, कोई 2021 का जो जनवरी हुआ वो पास है, मतलब आप पास हैं सीटेट, तो उसके लिए पूछा है। कुछ लोग कहना ये सर कि जिस समय मैंने बीटीसी किया था, डीएलएड किया था, उस समय मेरा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं सीटेट पास हो गया था, मतलब मैं उस समय अपेयरिंग में था और सीटेट पास हूं, क्या वो फॉर्म भर सकते? जी हाँ वो भर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि अभी तक आपके पास सीटेट पास होने की डिग्री होनी चाहिए। कुछ लोग जैसे हैं कोई दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे में है, अभी तक सीटेट नहीं पास है, कुछ बीटीसी बीएड डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं, अभी सीटेट पास नहीं है, तो जो नहीं पास उन्होंने फॉर्म तो भरा है, लेकिन वो अपेयरिंग कराएंगे, वो अपेयरिंग नहीं कराएंगे जो जिस समय वो अपेयरिंग थे। आज की बात हो रही है कि इस फॉर्म को भरते समय कि आपके पास सीटेट पास की डिग्री है, अगर है तो आप पास्ड है, नहीं पास है अभी तक तो अगर आपने फॉर्म भर लिया तो आप अपेयरिंग कहलाएंगे। एकदम साफ साफ इस बात को समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पे है पासिंग ईयर, तो जिस ईयर पास, जैसे मैं 4 बार सीटेट पास हूँ, 2018 पास, 2018 कर दिया, किसमें? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा ताकि आपको एकदम अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना कि ग्रेजुएशन भी 50, ये बीएड वाले भरेंगे, ग्रेजुएशन 50% के साथ हो, नीचे सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट हो 50% मार्क, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, वाट एवर नेम, कहीं बीएड डीएलएड कहते हैं, कहीं बीटीसी कहते हैं, कहीं बीएसटीसी कहते हैं, तो बीटीसी डीएलएड वाले ये भरेंगे। फिर ये क्या है, स्पेशल एजुकेशन वाले भरेंगे। नीचे वाले बीएलएड जो 4 वर्षीय होता है ये उनके लिए, मान लो कोई डीएलएड या बीटीसी तो उस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम, अगर कोई बोर्ड का नाम को सर्च मारा, ठीक है, जैसे बीपीएसयू नहीं आया ठीक, कोई बात नहीं, पीएनपी पैरागॉफ नहीं है, इस पर क्लिक करिए। अब डालिए, जैसे यहाँ पे हमारा अगर बीटीसी है, जैसे यहाँ पे आपने भर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बोर्ड है यूनिवर्सिटी का नेम, तो यहाँ पे क्या है पीएनपी, पीएनपी है प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद जो भी है, पीएनपी प्रयागराज हो गया, तो आप इसको भर सकते हैं। फिर क्या रिजल्ट, अब जब आप बीटीसी बीएड हैं तो उसमें सीजीपीए परसेंटेज, परसेंटेज भर दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट टोटल मार्क्स, जैसे बीटीसी डीएलएड 3200 नंबर का होता है, मान लीजिए आपको 2800 मार्क्स मिले अपने, 2800, अब परसेंटेज मत निकालिए, टैब का बटन दबाएंगे अपने आप सिस्टम आपको परसेंटेज बता देगा, एक रेशियो में बता रहा हूँ, लगभग 87.50% आपके मार्क हो गए, ठीक। यहाँ आप 2900 भी भर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपने 2900 भर दिए, तो जैसे आप उस पर टैप करेंगे आपका परसेंटेज आ गया 90.63, तो अपने आप परसेंट आपका इसका ले लेगा। सब्जेक्ट की बात करें, अब सब्जेक्ट कुछ लोगों ने इसको भरा है जो डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर का पूरा विषय भर दिया है, कुछ लोग बीएड के अंतिम सेमेस्टर के सारे विषय भर दिए हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसका मतलब यह है कि आप किस बोर्ड में है, मतलब किस स्ट्रीम में है, साइंस स्ट्रीम में है या आर्ट स्ट्रीम में है, साइंस सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। वैसे आप इसको भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट और सब्जेक्ट के नाम अपने फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जैसे आर्ट है तो आर्ट्स भर दीजिए। आर्ट्स में क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो आर्ट्स है इसमें जो बीकॉम है, जो बीए है, जो बीबीए है, वो आर्ट्स से सीटेट पास होंगे, बीटीसी फॉर्म भरते समय उन्होंने इसी विषय का चयन किया होगा। और अगर आप जैसे बीएससी हैं या बीटेक हैं या एग्रीकल्चर से हैं, तो चाहे बायो से हैं, चाहे मैथ्स से हैं, या पीसीएम कोई भी हो, किसी अगर साइंस में आए तो साइंस एंड मैथ, तो साइंस एंड मैथ होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आर्ट्स होगा। अगर आपने सब्जेक्ट भी भर दिए तो भी गलत नहीं है, आर्ट्स और साइंस भरे तो भी गलत नहीं है, इससे आपके फॉर्म में न रिजेक्ट होगा ना आपके नियुक्ति में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, इसलिए इसको पूरे ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपने इसमें जो भी भरा है, घबराने की बात नहीं है, मैं बार बार ये समझाऊंगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भैया पासिंग ईयर यहाँ पे है तो 2018 में पास है, तो क्लिक कर दिया। अब पूछ रहा है कि कोर्स स्ट्रीम नेम क्या है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को दिक्कत है नहीं, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप पास हैं या नहीं है, जैसे बी एड बी टी सी डी एल एड पास है, तो आपने पूरा भर दिया। इसके बाद अब हम आगे चरण की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ तक समझ में आ गए? यहाँ पे देखिए कि सीनियर सेकेंडरी जो हमने भर लिया था, यहाँ तक इसको पूरा ध्यान से मिला लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग केवीएससी किस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद सीटेट के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर जैसे 2018 बैच है, कोई 17 बैच है, हाँ 15 बैच वाले जानते हैं, उनका 16 भरा जाएगा, क्योंकि 15 बैच शून्य हो गया था, तो उनको क्या भरना है, उनको यहाँ पे 16 भरना है, ठीक है, क्या भरना है 16, तो 17 बैच वाले 17 भरेंगे, जैसे जो जिस बैच का है वो यहाँ पे भर देगा। फिर आगे बढ़ते हैं,
इसको जैसे मैं 15 वैसे था तो वहाँ पे अपना बैच भरना है, लेकिन ध्यान रहे ये पासिंग ईयर है, ये ईयर ऑफ पासिंग जिस ईयर आपने पास किया है, 2018 में जो 16 बैच था 2018 पास हुआ था, तो आपकी डिग्री जो होती है उस पर लिखा गया होता है आपने कब पास किया था, तो उसकी पासिंग की बात कर रहा है कि किस साल आपने पास, 2016 वाले जो 15 बैच बीटीसी थी वो 16 शुरू हुआ था, 18 में पास ईयर है, 17 बैच 19 में है, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा किस ईयर आप पास है, ठीक है। पासिंग या पीरियड ईयर पूछ रहा है, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स का, ठीक है, जो बीएड बीटीसी है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्योरिटी पिन फिर से डालेंगे जो आपके सामने है, LT6651, फिर से वो नेक्स्ट पे करेंगे, फिर यस पे क्लिक करेंगे। सॉरी यहाँ पे फिर से लॉगिन करना होगा कि सीजन एक्सपायर होगा, मैंने काफ़ी समय ले लिया आपको बताने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या था, वही प्रक्रिया मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो आपका लगभग समाप्त हो जाएगा जी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे उसके कि आगे डिटेल कैसे भरी जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रो फॉर्म भले, अब हम लोग को जो भरना है वो KBS एम्प्लॉयमेंट डिटेल, मैंने क्या आप KBS के एम्प्लॉय हैं, यस या नो, मैं नहीं हूँ तो नो। अब सीटेट क्वालिफाई है, तो यहाँ पे सीटेट पास का मतलब है, तो आप पास हैं तो यस। पास का मतलब फिर से मैं समझा देता हूँ कि आज जब आप फॉर्म भरने के लिए बैठे हैं क्या इस समय तक आप सीटेट पास है, अगर पास है तो पास, अगर अभी तक आप सीटेट पास नहीं है तो अपेयरिंग कहलाएगा, तब वो क्या अपेयरिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर पास है, इसको यस भर दिया। अब देखिए अब यहाँ सीटेट क्वालिफाई किस ईयर में है, कुछ लोग इसका मतलब बार बार मैं समझा, जैसे कोई चौदह सेमेस्टर में था उसमें अपेयरिंग में था, अपने डीलर सेमेस्टर से मान ली कोई 2017 या 18 घटना आया, 2019 के में अपेयरिंग में था, उसने सीटेट दिया और पास हो गया, तो आज अगर वो पास तो पास्ट कहलाएगा। लेकिन अभी तक अगर वो एक बार भी सीटेट पास नहीं है और इसमें फॉर्म भरने के लिए बैठा है और वो चाह रहा है कि मैं सीटेट अपेयरिंग अप्लाई कर लूँ, तो वो नहीं अप्लाई होगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए मैं 4 बार सीटेट पास हूँ, यहाँ पे 2012, 13, 16, 18 से दिसंबर 2018 का मैं पास हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया, फिर सीटेट का रोल नंबर, जो भी सीटेट का रोल नंबर हो 23, 24, 25, 26, मुझे नहीं पता क्या मेरा, मुझे याद नहीं है, पेपर फर्स्ट के लिए तो पेपर फर्स्ट लिख गया, अगर सही होगा तो आपका लेगा। उसके बाद क्या करना है, आप इसका प्रिंट डालना है, अपना फॉर्म सबमिट कर देना, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर, फोटो सिग्नेचर के बाद आपको अंत में फाइनल सबमिशन करना है, अगर फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसी के साथ आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया और आप अगले चरण के लिए आवेदन का प्रक्रिया, फीस पेमेंट के बाद आप फॉर्म को सबमिट करें, उसके प्रिंटआउट अपने पास रख लें। इस प्रकार आपका KVS का पूरा फॉर्म लॉगिन होकर और आपके पास कंप्लीटली हो जाएगा। यहाँ पर आपको सीटेट का जो डिटेल है एकदम सही से भरना होगा, मिला लीजिएगा, पूरे फॉर्म को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सही से मिला के भरिएगा। कोई प्रश्न हो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे KVS के सभी नोट्स मिल जाए, तो आप उसके लिए 6306333667 पर व्हाट्सएप या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जहाँ पर रोल नंबर लिखा जा रहा है मैं वहाँ पर सीटेट का ई लर्निंग में दुर्गेश का ऑफिस का नंबर लिख दे रहा हूँ, जो आपके काम आ जाए, 6306333467, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। यह वीडियो आपके फेसबुक पे जिलनी में दरगेस और यूट्यूब पर आपके लिए लाइव थी। मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए निशुल्क क्लास देशित में राष्ट्रित में लेकर आता रहता हूँ, आप उस क्लास को पढ़िए। KVS की सभी क्लास आपको लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है, जहां से आप जाकर नोट्स और सभी एनसीईआरटी नोट्स, क्योंकि KVS की रामबार जो है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक के सभी सभी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके ऐप पर उपलब्ध है। तो इसी के साथ आज के सेशन यहाँ पे समाप्त होती है। फॉर्म को ध्यान से एक बार देख लीजिए, कहीं कोई त्रुटि हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर फॉर्म में कहीं इसके अलावा कोई त्रुटि है, संशोधन आता है तो संशोधन कर सकते हैं। तो जहां जहां मैंने बताया, अगर वहां जैसे यहाँ पे रोल नंबर में कोई त्रुटि है तो नहीं लेगा रोल नंबर, ये सब चीज साफ साफ सही से होना चाहिए, मुझे ना पाए कहीं, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसे सबमिट कर दीजिएगा, अपना फॉर्म प्रिंट आउट रख लीजिएगा। फिर भी कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि लगभग 10 लाख लोगों ने आवेदन किया, लेकिन जो अच्छे अभ्यर्थी होते हैं 70,500 होते हैं, उनमें से अगर आप में को चुनकर सिलेक्शन लेना है तो जिनकी संख्या कम होती है। तो आप KVS इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू शुरू हो रहा है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, आप भी अपना KVS का मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपना बेहतर करें, अगली बार नहीं इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, और जो तैयारी कर रहे हैं जिनका नहीं हो पा रहा है वो अगली बार यूपीपीआईटी के लिए तैयार करें, क्योंकि अगर आप सीटेट पास हैं तो आपको यूपीटेट की जरूरत नहीं है, आप सीधा यूपीपीआईटी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी की बार हर हाल में एक सीट हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।